जामनेर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2018 कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी कोण करणार शहरवासियांना राजी कोण मारणार निवडणुकीत बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा रोज कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा निवडणुकीची बातमी ताजी कोण मारणार नगर परिषदेत बाजी कोण होणार लोकनियुक्त नगर अध्यक्ष कोण कोण होणार नगर सेवक जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी यानंतर मॉस्कोची काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्राचे नेते पक्षाचे प्रवक्ते आदरणीय नवाब मोहित साहेब यांना विनंती करतो यांनी संबोधित करावं. जामनेर नगरपालिका चुनाव के लिए आयोजित की गई आज की सभा के अध्यक्ष सन्माननीय पारस ललवानी जी प्रचार सभा में आए हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता सन्माननीय धनंजय मुंडे जी जिनके प्रचार के लिए हम लोग यहाँ पर आए श्रीमती डॉक्टर अंजना पवार जी सतीश पाटिल जी देवकर अप्पा संदीप पाटिल जी संजय दादा गरुड़ मंच पे उपस्थित सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेतागण सभी नगर सेवक पद के उम्मीदवार और इस प्रचार सभा में आए हुए तमाम बुजुर्गों माँ बहनों और नौजवान साथियों हम लोग मुंबई से यहाँ पर आए हैं आप लोगों से विनती करने के लिए अपील करने के लिए कि 6 तारीख के दिन जामनेर नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से डॉक्टर अंजना पवार को अपना नगर अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है. साथ में 22 उम्मीदवार और चुनाव लड़ रहे हैं. हर मतदाता को 3 वोट डालना है, 1 नगर अध्यक्ष पद का और 2 प्रभाग का. आपसे विनंती है कि आने वाली 6 तारीख के दिन आप अपना 3 वोट कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ और घड़ी का निशान का बटन दबाकर सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें. नगर पालिका का चुनाव है और नगर पालिका का चुनाव आपके हर दिन की समस्या का समाधान करने वाला चुनाव है. पानी की व्यवस्था नगर पालिका को करना है, सड़क की व्यवस्था नगर पालिका को करना, गटर की व्यवस्था नगर पालिका को करना, सार्वजनिक आरोग्य की जिम्मेदारी नगर पालिका की, प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी नगर पालिका की, राज्य सरकार की योजना बने, केंद्र की योजना बने, उसकी अमल बजावनी करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की. तो 6 तारीख का चुनाव आपके जीवन में परिवर्तन करने वाला चुनाव है और आपको सोच समझ कर फैसला करने का काम करना. 5 साल पहले चुनाव हुआ था, ललवानी जी यहाँ पर जीते थे नगर अध्यक्ष, हम लोगों ने बनाया था, जामनेर की जनता ने बनाया था. लेकिन 2.5 साल के बाद चोर दरवाजे से महाजन जी ने अपनी धर्म पत्नी को नगर अध्यक्ष बनाने का जनता ने चुनकर भेजा नहीं. महाराष्ट्र में सरकार बदल गई ताकत पर, पैसे के बल पर और दबाव से नगर अध्यक्ष पद पे आपने बिठाने का काम किया. लेकिन जामनेर की जनता चोर दरवाजे से बैठे हुए नगर अध्यक्ष को जमीन पर उतारने का काम आने वाली 6 तारीख और धनंजय जी 6 तारीख का दिन तो ऐतिहासिक है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और जामनेर वासियों ऐसा बटन दबा देना
किस्सा और मोदी तक को लगेगा कि परिवर्तन की शुरुआत महाराष्ट्र की धरती से। चार साल पहले दिल्ली में आई सरकार, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस की अगाड़ी की सरकार दिल्ली में थी, जनता के हित का काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हित का काम करने का काम किया जा रहा था, लोगों को अलग अलग अधिकार बनाकर, कानून बनाकर लोगों के हित के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन देश के अंदर चार साल पांच साल पहले पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का पुलिंदा खोलकर सरकार को बदनाम करने का काम किया। अभी कोयला घोटाले के नाम पर हम लोगों को बदनाम करने का काम किया गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। क्या कभी कहा जाता था कि 2G घोटाला इस देश के अंदर हो गया, क्या हुआ 2G घोटाला? झूठ बोलकर बदनाम करके सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लोगों को वादा करने का काम किया कि सत्ता में मुझे बिठाने का काम करो, पर मोदी जी बोल रहे थे कि आप प्रधानमंत्री नहीं देश का चौकीदार चुनने वाले हैं। अरे चार साल हो गया चौकीदार जी, आपने तो ऐसी चौकीदारी की कि देश का माल बाहर से, काला धन तो देश में आया नहीं, देश का पैसा विदेश में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कि देश में मोदी लहर है, बोल रहे थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे एक ललित मोदी, दूसरा मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। चौकीदार बनने वाले से हम पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर आपने काला धन लाने का काम किया, हमारी मां बहनों को आश्वासन देने का काम किया गया कि मुझे सत्ता दो, मैं हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालने का काम करूंगा। बैंक में ले हमारे तो बीजेपी के नेता से पूछो क्या काम किया, बोले हमने 26 करोड़ अकाउंट देश में खोलने का काम किया। अकाउंट खोलने की योजना आई तो बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहा था वो ताई जरा आयता उगड़ा ना या चत गया ना 15 लाख। अकाउंट खुल गया लेकिन अकाउंट में ठंडन गोपाल एक भी वादा पूरा करने का काम मोदी जी ने करने का काम किया। नारा लगता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे भाई जब $140 प्रति बैरल दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल था तब भी इतनी कीमत में देश में पेट्रोल और डीजल नहीं बिका, आज देश में डीजल और पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा हो गए, हम पूछना चाहते हैं पैसा कहां जा रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर, पवार साहब जी के सरकार के अंदर डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए लीटर, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 7 रुपए लीटर थी, मोदी जी की सरकार आई एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए कर दी। डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 17 रुपए कर दी और मोदी जी तो बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर नरेंद्र जी का भाव बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू है और यहाँ पर देवेंद्र जी का भी कार्यक्रम रुकने वाला नहीं। महाराष्ट्र में दुष्काळ था, सांगितलं की दुष्काळासाठी पैसे नाही काहीतरी करावं लागेल, दुष्काळ शेष लाव, पण 2 वर्ष या राज्यात दुष्काळ नाही, पण देवेंद्रजीचा तोर शेष कुठेतरी कमी होत नाही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने का काम किया कि हाईवे के बगल की दारू की दुकानें बंद कर दो, सरकार ने बोला कि हमारे उत्पन्न का स्रोत कम होने वाला है क्या करो, बोले डीजल और पेट्रोल पे सेस लगा दो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, दारू की दुकान चालू हो गई लेकिन देवेंद्र जी का टैक्स कम होने वाला नहीं। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी और पूरी तरह से आम जनता को परेशान करने का कार्यक्रम केंद्र की सरकार के माध्यम से चलता है। महाराष्ट्र में सरकार आई थी, क्या वादा करने का काम किया था कि आमच्या सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्राला टोल मुक्त करू, गाडी घेऊन निघालो मुंबईतून, पहिला ठाणे टोल भरलो,
पुढे आलो भुयुंडीच्या पुढे टोल भरलो, नाशिकला टोल, इथे दोन टोल, किती टोल, टोलमुख महाराष्ट्र कुठे याच्या उत्तर कधी देते? भूल ताबा देऊन कुठेतरी सत्तेवर आलेले लोकांना आम्ही विचारू इच्छितो की या राज्यामध्ये तुम्ही सत्तेत नसताना तुम्ही आमच्या विरोधात प्रचार करत असताना सांगत होते की तुम्ही या राज्यामध्ये 70,000 कोटीचा कुठेतरी सिंचन घोटाला झालेला आहे, पण 4 वर्ष होत राहिलेले कुठला घोटाला कुठे काय अजून तुम्ही पुरावा देऊ शकते? जेव्हापासून या राज्याची स्थापना झाली एकंदरीत या राज्यातला बजेट 60,000 कोटीचा होता आणि सांगत होते की 70,000 कोटीचा घोटाला झाला आहे. अधिकाऱ्यांचे पगार असतील, स्थापना असतील, एक्विजिशनचे पैसे असतील, कामं झाली ते कामं झाली असतील, तरी बोलत असताना महाजन असतील, देवेंद्रजी असतील, एकच बोलत होते की 70,000 कोटीचा घोटाला. टीव्हीवर चर्चा करत असताना मुंडे साहेब सांगत होते बाबा घोटाला कसा झाला ते सांगा. ते सांगत होते किंमत वाढली ना हाच घोटाला आहे. ग्रीस महाजन जी आप बताओ कि दिसंबर महीने में आपने 3,000 करोड़ की योजना की कीमत 40,000 करोड़ रुपए कैसे की? ये महाराष्ट्र की जनता आपसे सवाल कर रही है. लालबाबू जी ने कहा कि यहाँ पे कमीशन बंगला है. अरे यहाँ तो कार्यकर्ते का कमीशन बंगला है, इनका बंगला मॉल सब कुछ पूना में चल रहा है. जवाई राजा इनके पूरे इंचार्ज बन के पूरा खेल पूना में चल रहा है. और लालवली जी आपको बोल रहा है ये शेख, पिस्तौल दिखा के शेख साहब आपको बोलते या शेख अपनी देख. तो कल से नासिक में शेख का भी क्या क्या है ढूंढ कर निकालेंगे. और अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने का काम किया तो चुनाव का नतीजा आने दो, हम लोग पूरे मुंबई से आकर बैठेंगे और जब तक शेख को यहाँ पर लाइन करने का काम किया सत्ता आती है जाती है, सत्ता कानून से चलाने का काम किया जाता है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके अगर प्रताड़ना होगी तो हम छोड़ने वाले नहीं. जितना कानून आपको समझता है उतना कानून हमको भी समझता है. तुम्ही सांगताय ते पिस्तौल दाखव, ते पिस्तौल शाळेत गेले ते पिस्तौल बिबट्या मारवलं जात आहे. मी बोललं दारू पिऊन हे बंदूक घेऊन फिरत होता, एखादा कोणाला मारला असता. टीव्हीवर बोलतो मी अजिबात कधी दारू पित नाही. मला तुम्ही दारू पिऊनच बोलताय, दारू पिऊन बोलताय, बाईचं नाव द्या दारूला. मी अजिबात कधी दारू खाला हात लावा लावला नाही. पण आजच मला माहिती मिळालेली आहे साहेब की यांची पार्टनरशिपमध्ये 2 दारूची दुकान आहे. लायसन्स कलालच्या नावाने आणि जागा यांची. तुम्ही दारू पित नाही, दारू विकण्याचा उद्योग का करताय याच्या उत्तर तुमच्याकडून आम्हाला अपेक्षित आहे. महाजन साहेब जामनेर मध्ये अत्यंत बदलणार आहे, देशभरात परिस्थिती बदलते. गोरखपूर मध्ये योगी का राज चला नाही, फूलपूर में उप मुख्यमंत्री का राज चला नहीं, तो जामनेर में मंत्री का भी राज चलने वाला नहीं. निश्चित रूप से परिवर्तन करने की जरूरत है. अगर किसी को यह गुमान हो जाए कि हमारे हाथ में सत्ता है हम कुछ भी कर सकते तो हम लोग भी दीर्घ साल आमदार रहे, 5-5 बार मंत्री बने, तो भी हमें सत्ता का नशा नहीं चला. सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता के नशे में अगर कोई लोग ये समझते होंगे कि हम पैसे बांट कर पैसे के बल पर चुनाव जीतने का काम करेंगे तो हमें लगता है कि वो दिन बदल गए हैं. पारस जी बोल रहे थे कि हमारे समाज के लोगों को कोई डंपर देने का वादा किया जा रहा है, कहीं पोकलिन देने का काम किया जा रहा है, कहीं ठेका देने का काम किया जा रहा है. अरे भाई बहुत चालू कंपनी है ये, 2 दिन देगी नतीजा जाएगा
तो बोले भाई डंपर का भाड़ा भी आपको देना पड़ेगा। मंत्री है अपने क्षेत्र का विकास कर नहीं पाता, मंत्री है अपने क्षेत्र में लोगों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाता, और लोगों को कहते हैं कि मैं जामनेर को बारामती बनाना चाहता। कम से कम बारामती में जरा कभी तो आओ, बारामती में देखकर तो जाओ क्या है बारामती। बारामती बनाने के लिए मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, आपको बारामती बनाने के लिए कम से कम 14 जन्म देना पड़ेगा। ज्यादा नहीं बोलना चाहता, हमारे धनंजय मुंडे जी है वो आपके सामने अपनी बातों को रखने का काम करें। केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी ऐसा मामला नहीं जहाँ पे भ्रष्टाचार करने का काम। मुख्यमंत्री के कार्यालय में 3,40,00,000 रुपए की साल में चाय पी जाते हैं, और चाय बेचने वाले के नाम पे वोट लेने वाले लोग चाय घोटाला करने का काम भी महाराष्ट्र की धरती में करने का काम। खड़से साहब ने तो बोला भाई चूहा घोटाला भी महाराष्ट्र में हो गया, वो चूहा मार के नाम पर पैसा लेने का काम किया। दाल घोटाला बापड़ जी का, चिक्की घोटाला मुंडिताई का। बाजू में यहाँ पे एक मंत्री है धुलिया जिले के अंदर, वहां पे रिजॉर्ट घोटाला है रावल का। लातूर के मंत्री का अलग घोटाला, महाराष्ट्र के 24 मंत्री घोटाले में लिप्त है, और पूरी तरह से महाराष्ट्र को लूटने का काम किया जा रहा है। परिवर्तन आपको करने का काम करना पड़ेगा। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि तुमने यहाँ पर हमसे आश्वासन लेने का काम किया सतीश अन्ना, हम लोग आपसे वादा करते हैं कि चुनाव जीतो, पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शपथ ग्रहण में नहीं आपके स्वागत करने के लिए जामनेर की धरती पे। परिवर्तन की शुरुआत जामनेर से भी होने वाली है, और 6 तारीख के दिन याद रखना अमित शाह जी वहां पर बात करते होंगे, आप यहां पे बीजेपी को दफन करने का काम करने का काम करना, नतीजा आएगा। इतनी बात करके अपनी बात करता हूँ, और विनंती करने का काम करता हूँ कि 6 तारीख के दिन घड़ी और हाथ के बटन पर अपना वोट देकर सभी उम्मीदवारों को विजय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।